अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 27 टू द पावर एक्स माइनस 9 टू द पावर एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2x. सबसे पहले हम देखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है, इनडिटर्मिनेट है कि नहीं है. तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखिए, x 0 टेन कराइएगा तो 27 टू द पावर 0 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0 और कॉस 0 1 होता है 0 बाई 0 फॉर्म. ये 0 बाई 0 फॉर्म है और ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है तो एक ही फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला क्या होता है, a का पावर x या a का पावर fx, a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 इज log a. तो इसी फॉर्मूले पर एडजस्ट करना होगा और ये 1 माइनस कॉस 2x का तो फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो इसमें 27 का पावर x है, इसको पहले हम ऐसा लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3. तो 27 का पावर x हो जाएगा 9 इंटू 3 का पावर x और ये हो जाएगा 9 का पावर x इंटू 3 का पावर x. तो 27 को हम लिखेंगे 9 का पावर x इंटू 3 का पावर x माइनस 9 का पावर x 3 का पावर x माइनस 3 का पावर x प्लस 1 और इसको हम 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं. 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा. इन दोनों में हम कॉमन अगर ले लें, क्या कॉमन है, 9 टू द पावर x कॉमन है, यहां क्या आएगा 3 टू द पावर x माइनस 1 और इसमें क्या आएगा माइनस 1 कॉमन ले लीजिए. माइनस 1 अगर कॉमन ले लेते हैं 3 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर x. अब उसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर में 3 टू द पावर x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 3 टू द पावर x माइनस 1 कॉमन है और यहां क्या आ जाएगा 9 टू द पावर x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर x. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन 0 या टेन 0 फैक्टर के रूप में अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आ जाता है तो साइन थीटा के जगह पर थीटा, टेन थीटा के जगह पर थीटा. तो ये उस फॉर्मूले पर एडजस्ट करते हैं इसको, a का पावर x माइनस 1 बाई x का लिमिट x टेंस टू 0 log a होता है. तो इसको हम क्या करेंगे 3 टू द पावर x माइनस 1 बाई x कर देंगे इंटू x कर दिया. ये फॉर्मूले पर आ गया, a का पावर x माइनस 1 बाई x x टेंस टू 0 और इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं 9 टू द पावर x माइनस 1 बाई x किया फॉर्मूला पर एडजस्ट करने के लिए इंटू x डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया. और डिनोमिनेटर में हमने कहा था कि साइन 0 या टेन 0 फैक्टर के रूप में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आ जाए तो साइन थीटा के जगह पर थीटा, तो साइन एक्स के जगह पर हम एक्स रख दें लेकिन यहां साइन स्क्वायर एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका क्या फार्मूला होगा, ए का पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स का लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग ए होता है. तो ये हो जाएगा log 3 टू द बेस e और ये हो जाएगा log 9 टू द बेस e और 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो log 3 स्क्वायर टू द बेस e और ये हो गया log में ये पावर इधर मल्टीप्लाइड हो जाता है तो ये हो गया log 3 टू द बेस e इंटू 2 log 3 टू द बेस e. फाइनली हमको क्या मिला 2 log 3 टू द बेस e का होल स्क्वायर. तो यही आंसर हो गया 2 log 3 टू द बेस e का होल स्क्वायर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन क्या है, a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x बाई 3 होल टू द पावर 1 बाई x x टेंडिंग टू 0. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है. एक्स अगर 0 टेंड कराइएगा तो ए टू द पावर 0 1 बी टू द पावर 0 1 सी टू द पावर 0 1 तो ये 3 टेंड करेगा तो 3 डिवाइडेड बाई 3 1 और ये 1 बाय टेंस टू 0 इन्फिनिटी होता है. हमने कहा था कि नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाई टेंस टू 0
न्यूमरेटर अगर नॉन जीरो टेंड करे और डिनोमिनेटर टेंड्स टू जीरो हो तो ये इन्फिनिटी होता है, प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम प्लस माइनस नहीं कंसिडर करते हैं, इसको भी हम लिखेंगे वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। और वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में फॉर्मूला क्या बतलाया था, वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है एफ एक्स टू द पावर जी एक्स एक्सटेंडिंग टू ए। अगर ये वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो ये लिमिट क्या हो जाता है, लिमिट ये पाई टू द पावर, पावर को यहां लिखेंगे इनटू बेस माइनस वन, तो इसी पर एडजस्ट करना है। यहां क्या है, बेस ये है, पावर ये है, वन टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है तो क्या लिखेंगे, ई टू द पावर, ई टू द पावर इस पावर को यहां लिखिए इनटू बेस माइनस वन, बेस क्या है, ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स प्लस सी टू द पावर एक्स बाई थ्री माइनस वन। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे थ्री तो यहां थ्री आ जाएगा, तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स प्लस सी टू द पावर एक्स माइनस थ्री, और ये एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स। अब इसमें फॉर्मूला इस पर लाते हैं, ए टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स का लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो क्या होता है, लॉग ए टू द बेस ई। तो इसमें ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स है, यहां थ्री है, एक एक वन तीनों में रखेंगे, ए टू द पावर एक्स माइनस वन, बी टू द पावर एक्स माइनस वन, सी टू द पावर एक्स माइनस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर वन बाई थ्री, अलग कर दिया। इसको हम देखिए क्या लिख रहे हैं, ए टू द पावर एक्स माइनस वन, बी टू द पावर एक्स माइनस वन, सी टू द पावर एक्स माइनस वन, या ऐसा लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई एक्स जो है, ये एक्स है, इसमें एक एक एक्स सब में लिखते हैं, बाई एक्स बाई एक्स बाई एक्स, ये a टू द पावर x माइनस वन, b टू द पावर x माइनस वन, c टू द पावर x माइनस वन, और ये x को यहां लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला बैठाइए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, log a टू द बेस e, इसका क्या होगा, log b टू द बेस e, ये क्या होगा, log c टू द बेस e, तो ये क्या हो गया, e टू द पावर वन बाई थ्री log a टू द बेस e प्लस log b टू द बेस e प्लस log c टू द बेस e, और हम लोग जानते हैं log a प्लस log b प्लस log c क्या होगा, log a b c, तो ये हो गया e टू द पावर वन बाई थ्री log a b c टू द बेस e, और ये पावर इधर है तो यहां जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो फाइनली ये आ गया e टू द पावर log a b c का क्यूब रूट टू द बेस e। और हम यह भी जानते हैं कि log किसी नंबर का पावर हो, पावर में log हो और log का बेस भी यही नंबर हो, किसी नंबर का पावर हो, पावर में log हो और log का बेस भी यही है, जो a है तो बेस भी ये है, तो ये हो जाता है x, ये हट जाएगा। तो ठीक वैसे e का पावर है, पावर में लॉग है और लॉग का बेस भी ई है, तो ये हट जाएगा, तो क्या होगा, ए बी सी का पावर वन बाई थ्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी टू द पावर वन बाई थ्री।